नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आपकी बॉडी स्ट्रांग कैसे होगी, क्योंकि आप जानते हैं जब तक आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं रहेगी तब तक आपकी रनिंग स्टेमिना स्पीड ये सब नहीं आने वाला है। तो आप फुल बॉडी एक्सरसाइज देखिएगा किस तरीके से रहने वाली है। मात्र 5 एक्सरसाइज में आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी, जो कि आपको डेली रनिंग के बाद करना है। किस तरीके से करना है वो देखने के लिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि उनको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो साथी बिहार पुलिस का फिजिकल देने जा रहे हैं, जैसे जिन साथियों का जुलाई में बिहार पुलिस का फिजिकल लगा है, उनसे उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य रखिए, आप डेली का डेली अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। जो साथी कमेंट कर रहे हैं कि उनके रनिंग टाइमिंग नहीं घट रही है, या वो पूछ रहे हैं कि मतलब उनकी रनिंग टाइमिंग कैसे घटेगी, उनका स्टेमिना नहीं बढ़ रहा है, वो वीडियो पड़ा है, ठीक है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। और साथियों, जो आज की एक्सरसाइज होने वाली है ये भी आप करिएगा, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपको पहली एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको पहली एक्सरसाइज करनी है कि आपको रनिंग के बाद आना है, ठीक है, आप थोड़ी देर वार्म अप लेते हैं, 100 मीटर, 200, 400 मीटर का एक चक्कर का आप वार्म अप लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बैठ जाना है सिंपली, उसके बाद आपको अपने हैंड के सहारे जंप लेना है, फिर उधर से रिटर्न जंप इधर को लेना है। किस तरीके से वो आप वीडियो में देखिए। तो आपको इस तरीके से बैठ जाना है, उसके बाद जंप किस तरीके से लेना है, आपको जंप लेना है एक बार उधर को, फिर उधर से वापस लेंगे, फिर इधर से जाएंगे, फिर उधर से आएंगे, किस तरीके से यह आप देखिएगा। इस तरीके से आपको जंप लेना है, ठीक है, उसके बाद इसी जंप में आप दूसरी तरीके से किस तरीके से करेंगे, मतलब दूसरी एक्सरसाइज इसी जंप के आधार पर होगी, किस तरीके से वो देखिएगा। तो साथियों, आपको वैसे ही बैठ जाना है और आपको जंप दो बार लेना है, किस तरीके से वो देखिएगा। आपको इस तरीके से जंप लेना है, फिर वापस नहीं जाना है, उसी स्पीड में आपको दूसरी बार भी जंप लगा देनी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दूसरी एक्सरसाइज। अब तीसरी एक्सरसाइज की बात की जाए तो तीसरी एक्सरसाइज थोड़ा आपको ताकत लगानी पड़ेगी, सबसे नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे सभी से हो सकता है, आप डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और साथियों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अब साथियों, तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको जैसे आप पुशअप लगाते हैं पुशअप लगाना है, उसके बाद एक पुशअप के बाद आप खड़े होंगे, उसके बाद एक बार जंप लेंगे, फिर से बैठेंगे, फिर पुशअप की स्थिति में आएंगे, फिर पुशअप लगाएंगे, उसके बाद फिर खड़े होंगे, फिर जंप लेंगे। आप 10-10 की रेपिटेशन में करिए, मतलब 10 एक बार में 10 करना है, उसके बाद आपको इसके 3 सेट लगाने हैं, कम से कम 3 सेट तो लगाइए। अगर यदि आप बिगनर हैं अभी स्टार्टिंग में है तो आप 3 सेट तो अवश्य लगाइए, 3 सेट के बाद आप धीरे धीरे अपना बढ़ाते रहिए। एक बात बता दूं, एक्सरसाइज की मात्रा जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे आपकी स्पीड और आपका स्टेमिना उसी हिसाब से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इतना याद रखिएगा, ये कब होगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी हो सकता है। अब किस तरीके से आपको तीसरी एक्सरसाइज करनी है वो देखिएगा। आपको सबसे पहले पुशअप की स्थिति में आना है, पुशअप की स्थिति में आने के बाद एक बार पुशअप लगाएंगे, उसके बाद फिर तुरंत खड़े हो जाएंगे, उसके बाद जंप लेंगे, जंप लेने के बाद फिर से पुशअप की स्थिति में आएंगे, फिर पुशअप लगाएंगे, फिर खड़े होंगे, फिर जंप लेंगे, उसके बाद फिर पुशअप लगाएंगे, फिर खड़े होंगे, फिर जंप लेंगे। इस तरीके से आपको एक बार में 10 करना है, 10 के बाद आप 3 सेट लगाइए, मतलब 10 बार करिए, फिर 10 बार करिए, फिर 10 बार करिए, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, अब बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपकी स्टेमिना और आपकी स्पीड कन्फर्म है, 100% गारंटी है कि आप ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपकी बन जाएगी। उसके बाद देखिएगा, आपको जो चौथी एक्सरसाइज करनी है उसमें क्या करना है, आपको दोनों पैरों को इस तरीके से फैला लेना है, ठीक है, आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैर फैल सके। उसके बाद हाथों के सहारे आपको एक्सरसाइज करनी है, इससे क्या होगा कि आपका यहाँ से लेकर, मतलब आपको आपके शोल्डर से लेकर और आपके पंजों तक की पूरी बॉडी एक्सरसाइज यही है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, जिससे कि आपको रनिंग के बाद किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। किस तरीके से करना है वो आप देखिएगा, आप अपने पैरों को इस तरीके से फैला लेंगे, उसके बाद आपको अपने हाथों के सहारे किस तरीके से करना है वो देखिएगा। आप पूरी ताकत के साथ करिएगा, पूरी स्पीड के साथ करिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपका बेनिफिट हो सके, ठीक है। साथियों, जल्दी हम आपको मेडिकल से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो आप अपने जिस भी आपको भाग में लगता है कि आपका मेडिकल अनफिट है, आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, उस भाग को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम अगला वीडियो यदि मेडिकल पर बनाते हैं तो, ठीक है, तो उस टॉपिक पर हम वीडियो बना सके। आपको जो लास्ट में पांचवी एक्सरसाइज करनी है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो पांचवी एक्सरसाइज किस तरीके से करना है आपको वो देखिए। तो साथियों, हम आ गए हैं आपके लास्ट एक्सरसाइज, पांचवी एक्सरसाइज पर। इसमें आपको क्या करना है कि आपको ज़मीन में लेट जाना है, इसमें आपको किसी न किसी
का सहारा लेने पड़ेगा। जैसे कि यदि आपके पास नहीं अवेलेबल है कोई, आप अकेले रनिंग कर रहे हैं, आप अकेले तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करिएगा, आप एक डंडे टाइप का गाड़ लीजिएगा जिससे कि आपको पीछे पकड़ने में आसानी हो। किस तरीके से करना है, किस क्यों, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो आप आगे का वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली लेट जाना है, ठीक है। जैसे आप अपने पैर को इस तरीके से उठाते हैं बार बार, उसी तरीके से उठाना है, किस तरीके से वो देखिएगा। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको लेट जाना है ज़मीन में, उसके बाद किस तरीके से करना है वो आप आगे की वीडियो में देखते रहिए। आपको इस तरीके से लेट जाना है, ठीक है। और लेटने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने पैरों को किसी के सहारे उठाना है, किस तरीके से वो आप वीडियो में देखिएगा। इस तरीके से आप करिएगा, ठीक है। इससे आपका पेट और आपका पैर, आपका चेस्ट तीनों मजबूत हो जाएंगे और जितने भी मसल्स हैं वो सारी मूव करेंगे, जिससे कि आपको रनिंग में, रनिंग के बाद किसी तरीके का दर्द नहीं होना। हाँ, इतना याद रखिएगा आपका पैर पूरी तरीके से ज़मीन में ना छू पाए, ठीक है। आपको ज़मीन से जस्ट पहले से वापस ले आना है, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज तो साथियों इसी तरीके से आपको पांचों एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपकी पूरी जो आपका पूरा का पूरा शरीर है, ठीक है, वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पहले अपनी बॉडी मेंटेन करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपना डाइट पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्दी डाइट का चार्ट लेकर आ रहे हैं हम, हो सकता है अगले वीडियो में, ना तो उसके अगले वीडियो में आपको अवश्य डाइट का चार्ट जरूर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथियों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी में हम जितना भी हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है साथियों। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।